दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 40 और 50 के दशक में हिंदी सिनेमा में अपनी खूबसूरत और अभिनय से अपनी बेहतरीन पहचान बनाने वाली अभिनेत्री सुरैया जी की। एक ऐसी अभिनेत्री जिनकी अदाओं, नजाकत, हुस्न और हुनर ने हिंदी सिनेमा के इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिख दिया। ये हिंदी सिनेमा का एक ऐसा वक्त था जब 40 से 50 का दशक सुरैया के नाम से जाना जाता था। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि लोग उनकी सिर्फ एक झलक पाने के लिए उनके घर के बाहर घंटों तक खड़े रहते थे और सड़कें जाम हो जाया करती थी। अपने शानदार अभिनय और खूबसूरती के लिए तो वो दर्शकों की पहली पसंद हुआ ही करती थी, लेकिन उनकी आवाज और उनके गानों के भी कई लोग कायल थे। उन्होंने तू मेरा चांद, वो पास रहे या दूर, दिल ए नादान तुझे हुआ क्या है और मुरली वाले मुरली बजा जैसे कई खूबसूरत गानों को अपनी आवाज दी। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सुरैया जी कितनी टैलेंटेड अदाकारा थी। दोस्तों, क्या आप सुरैया जी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं? अगर हाँ तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको सुरैया जी के प्रारंभिक जीवन, करियर, पारिवारिक जीवन और निजी जीवन से रूबरू कराने वाले हैं। साथ ही उनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपने कभी इससे पहले नहीं सुनी होंगी। शुरुआत करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन से। तो उनका जन्म 15 जून 1929 को पंजाब के कुंजरावाला में हुआ था। सुरैया ने न्यू हाई स्कूल मुंबई में पढ़ाई की, जिसे आज मुंबई के फोर्ट जिले में जेबी पैटिट हाई स्कूल फॉर गर्ल्स के नाम से जाना जाता है। वो बचपन से ही अपने माता पिता की लाडली रहीं। इसका कारण ये भी था कि वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। बता दें कि उनका पूरा नाम सुरैया जमाल शेख था। वो बचपन से ही अभिनेत्री बनना चाहती थी और बहुत ही सुरीला गाती थी। हालांकि उन्होंने कभी संगीत की शिक्षा नहीं ली, लेकिन आगे चलकर उन्होंने एक बेहतरीन गायिका के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। वो जब 1 साल की थी तब उनका परिवार मरीन ड्राइव पर कृष्णा महल में रहने के लिए मुंबई चला गया और उनके चाचा एम जहूर भी उनके साथ आ गए, जो कि 1930 के दशक में एक प्रसिद्ध खलनायक बन गए। उनके बचपन के दोस्तों में पूर्व अभिनेता राज कपूर और मदन मोहन शामिल थे, जिनके साथ वो ऑल इंडिया रेडियो में बच्चों के रेडियो कार्यक्रमों में गाती थी। इनका फिल्मी करियर बचपन से ही शुरू हो गया था। दरअसल बॉलीवुड के मशहूर विलन जहूर जी सुरैया के चाचा थे और उन्होंने ही उनको उनकी पहली फिल्म दिलाई, जिसमें उन्होंने एक बाल कलाकार के तौर पर काम किया। 1937 में आई फिल्म उसने क्या सोचा में सुरैया ने अपने अभिनय से सभी दर्शकों का दिल जीत लिया। एक बार 1941 में जब उनके स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, तब वो मोहन स्टूडियो में ताजमहल फिल्म की शूटिंग देखने गईं। वहां पर निर्देशक नानू भाई वकील की नजर सुरैया पर पड़ी और उन्होंने उनको देखते ही अपनी फिल्म में अभिनेत्री मुमताज महल के बचपन का किरदार दे दिया। 1942 में उन्होंने नई दुनिया, स्टेशन मास्टर और शारदा नामक 3 फिल्मों में काम किया और 1943 में वो कानून, संजोग इशारा और हमारी बात नामक 4 फिल्मों में नजर आईं। फिल्म इशारा से उन्होंने बॉलीवुड में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर काम उन्हें मिलने लगा। 1945 में उन्होंने यतीम, तदवीर, सम्राट चंद्रगुप्त, फूल और मैं क्या करूं नाम की कुछ फिल्मों में काम किया, जिसमें से फिल्म तकदीर में वो अभिनेता KL सहगल के साथ मुख्य भूमिका में नजर आईं और 1946 में वो फिल्म जगबीती, अनमोल घड़ी और उमर खय्याम में दिखाई दी। इस तरह से उन्होंने 1947 में परवाना, दर्द, डाक बंगला, 1948 में आज की रात, विद्या, प्यार की जीत, काजल और रंग महल, शक्ति और 1949 में सिंगार, शायर, दिल लगी, बालम, बड़ी बहन और अमर कहानी जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया। 1950 की फिल्म दास्तान में सुरैया ने अभिनेता राज कपूर के साथ काम किया। ये फिल्म उस दौर की सबसे सफल फिल्मों में से एक रही। AR कारदार की इस फिल्म में वीना, सुरेश, मुराद, सुरेंद्र और शकीला जैसे कलाकार नजर आए। फिल्म को तो दर्शकों ने प्यार किया ही, साथ ही फिल्म में सुरैया के काम को भी बहुत सराहा गया। और इसी वर्ष उनकी एक और सफल फिल्म अफसर आई। चेतन आनंद की फिल्म में उन्होंने देवानंद जी के साथ काम किया। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई ही, साथ ही देवानंद जी के साथ उनकी जोड़ी को भी दर्शकों ने बेहद पसंद किया। इस फिल्म के बाद उन्होंने 1951 में भी देवानंद के साथ सनम फिल्म में काम किया। इनके अलावा फिल्म में अभिनेत्री मीना कुमारी भी थी जिन्होंने अभिनय किया, लेकिन दर्शकों ने देवानंद और सुरैया जी की जोड़ी को बहुत सराहा और इसी वर्ष वो शौकिया और राजपूत जैसी कुछ फिल्मों में दिखाई दी। 1952 में उनकी सफल फिल्म निर्देशक AR कारदार की दीवाना रही, जिसमें उन्होंने सुमित्रा, सुरेश, श्याम कुमार, रमेश और मदनपुरी जैसे कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर की और फिल्म में अपने अभिनय की बेहद गहरी छाप छोड़ी। 1953 में उन्होंने सिर्फ एक ही फिल्म में काम किया। फिल्म का नाम था माशूका, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, जिसके बाद उन्होंने 1954 में सोहराब मोदी की फिल्म मिर्जा गालिब में काम किया और इस फिल्म में उनके साथ अभिनेता भारत भूषण नजर आए। इसके अलावा फिल्म में निगार सुल्ताना, दुर्गा खोटे, मुराद, मुकरी, उल्हास, कुमकुम और सादात अली ने भी काम किया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया, साथ ही दर्शकों ने भी फिल्म में सुरैया के काम की सराहना की।
बता दें कि उस वर्ष की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली यह चौथी फिल्म साबित हुई, जिसके बाद 1956 में उन्होंने लंबूजी नामक फिल्म में शेख मुख्तार के साथ काम किया। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई और इस फिल्म में उन्होंने अभिनय करने के साथ साथ फिल्म के गानों को भी अपनी आवाज दी। 1957 में वो एक भी फिल्म में नजर नहीं आई, लेकिन 1958 में उन्होंने ट्रॉली चालक, मलिक और तकदीर नामक तीन फिल्मों में काम किया। हालांकि उनकी इस वर्ष एक भी फिल्म सफल नहीं हुई और 1963 में आई फिल्म रुस्तम सोहराब उनके करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। विश्राम बेड़ेकर की इस फिल्म में सुरैया पृथ्वीराज कपूर, प्रेमनाथ और मुमताज के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आईं। एक बार सुरैया ने ऑल इंडिया रेडियो पर भी अपनी प्रस्तुति दी और जब उनकी आवाज संगीतकार नौशाद ने सुनी तो उन्होंने अपनी फिल्म शारदा में सुरैया से गाना गाने को कहा। तब से इनका एक गायिका के तौर पर करियर शुरू हो गया, जिसके बाद उन्होंने तेरे नैनों ने चोरी किया, वो पास रहे या दूर रहे, ओ जाने वाले, तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी और मुरली वाले मुरली बजा जैसे कई हिट सॉन्ग गाए जो आज भी काफी लोकप्रिय हैं। अपने बेहतरीन करियर के दौरान सुरैया को अभिनेता देवानंद से प्यार हो गया था और रोमांटिक हीरो देवानंद भी उनके दीवाने हुआ करते थे, लेकिन ये प्यार कभी मुकम्मल नहीं हो सका क्योंकि सुरैया की दादी देवानंद को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। बता दें कि उनका प्यार इतना सच्चा था कि उन्होंने कभी देवानंद जी की जगह किसी और को नहीं दी और पूरी जिंदगी शादी नहीं की। देवानंद ने भी अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में सुरैया और उनके रिश्ते की चर्चा की। उन्होंने लिखा कि उनकी आंखें बेहद खूबसूरत थी और मैं उनसे बहुत प्यार करता था। इस प्यार को मैं जीवन का पहला मासूम प्यार कहना चाहूंगा। दोनों ने जीत फिल्म के सेट पर अपने प्यार का इजहार किया था और देवानंद जी ने सुरैया को 3,000 रुपए की हीरे की अंगूठी गिफ्ट की थी, लेकिन अफसोस कि वो एक नहीं हो पाए। चलिए एक नजर डालते हैं उनके पारिवारिक जीवन पर। तो उनकी माता का नाम मुमताज शेख और पिता का नाम अजीत जमाल शेख था और सुरैया ने अपने जीवन में कभी शादी नहीं की। दरअसल उनके माता पिता तो चाहते थे कि उनकी शादी देवानंद जी से हो जाए, लेकिन उनकी नानी ये शादी नहीं होने दे रही थी और इसके बाद सुरैया जीवन भर अपनी मर्जी से अविवाहित रहीं और 31 जनवरी 2004 को सुरैया जी हम सब कुछ छोड़कर चली गईं। लेकिन अपनी आवाज में गाए हुए गाने और अपनी अदाओं से फिल्मों में जान डालकर वो अपने किरदार को अमर कर गईं। सुरैया भले ही आज हम सब के बीच नहीं है, लेकिन उनका अभिनय और संगीत हमेशा हम सब के दिलों पर राज करेगा और उनका नाम बॉलीवुड के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सुरैया जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं और आपको उनका कौन सा गाना और कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई है, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।